नमस्कार भाई फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा लगता है कि ईश्वर परवरदिगार अल्लाह ताला हमसे कुछ ज्यादा नाराज हो गए, इसलिए आज पूरी धरती पूरी सृष्टि त्राहिमाम कर रहे हैं। इस धरा पर पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। एक तरफ हिमखंड लगे हैं पिघलने को, तो दूसरी तरफ नदियां अपने उफान पर, तो एक और समंदर अपनी सुनामी लेकर खड़ा है, तो एक तरफ अब पर्वत भी मानव के शोषण अत्याचार अनाचार व अन्य संसक्त को देखकर अपनी जगह से खिसकने को लगे। ये प्रकृति का कहर, ये कोरोना वायरस, ये COVID-19 का जो प्रभाव है वो मानव पर युगों युगों और सदियों सदियों तक रहेगा। हे ईश्वर, इन इंसानों पर विश्व मानव जीव बसृष्टि कल्याण हितार दया। माय डियर फ्रेंड्स, इसे मैं ऐसे कहता हूँ कि हाल है वसुंधरा तुम्हारी, क्या बताएं हम तुम्हें। हाल है वसुंधरा तुम्हारी, क्या बताएं हम तुम्हें। हे ईश्वर, हे वीणावर, धैर्य अब धरा से भी धरा जाता नहीं, धैर्य अब धरा से भी धरा जाता नहीं। इस देह की प्राणों से मोहब्बत तो देखो, इतनी बेतहाशा मोहब्बत इस देह की प्राणों से है कि एक पल भी एक दूजे से जुदा होना चाहते नहीं। प्राण भी रजामंद नहीं है इस देह को छोड़ने में, पर व्यवस्थाओं के बंधन तो देखो कि धैर्य अब धरा से भी धरा जाता नहीं। एक और हिमखंड लगे हैं पिघलने को, जो दूसरी तरफ नदियां उफान पर है, तोड़कर अपनी सीमा परिसीमा तबाही मचाने को रजामंद है। ऐसा क्यों लगता है कि इंसानों का दुष्कृत अनाचार अवचार निर्दोष मासूमों पर इतना है। मेरे ईश्वर, की हाल है वसुंधरा तुम्हारी, क्या बताएं हम तुम्हें। दर्द मासूमों का इतना है कि अब धैर्य धरा से भी धरा जाता नहीं। हे वीर मानव उठो जागो, हे वीर मानव उठो जागो, प्रस्तुत हो रण में। हे वीर मानव उठो जागो, प्रस्तुत हो रण में, देने आहुति अपने प्राणों की, क्योंकि प्रश्न अब विश्व मानव जीव व सृष्टि कल्याण हितार्थ का है कि दर्द मेरे मासूमों का इतना है कि अब धैर्य धरा से भी धरा जाता नहीं। हिमखंड लगे हैं पिघलने को, तो शिलाखंड और पर्वत भी अपने जगह से विचलित जो होने लगे। पंछियों ने बदले हैं अपने स्वर, अथा जलराशि में एक अजीब सा दौर सा दिखता है। ऐसा लगता है कि समंदर एक पल में पूरी धरा को मिटा देना चाहता है, पर इंसान है जो अपने स्वार्थ में अब तक लेता है, अपने निजी और स्वार्थी हितों को दृष्टिगत रखते हुए इंसान ने इंसान का इतना अत्याचार शोषण किया है कि अकथनीय है। शब्दों में इतनी प्रबलता नहीं है कि मानव उन निर्दोष उन मासूम के दुख को मैं आपके समक्ष रखता हूं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोरोना वायरस चीन ने फैलाया है, इसलिए इस कोरोना वायरस की वजह से भी पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। और इस त्राहिमाम की वजह से आप देखिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित वो निर्दोष वो मासूम है जो हर रोज सूर्य के निकलने से पहले निकल आते हैं और जिंदगी से संघर्ष करते करते अपने प्राणों को त्याग देते हैं। रोटी कपड़ा मकान में सारा जीवन नष्ट हो जाता है, एक जिंदगी बनाने को कई पीढ़ियां निकल जाती हैं,
कुछ ऐसे लोग हैं जो भोग विलासताओं के साथ जीवन जी रहे हैं, उन्हें उन निर्दोष उन मासूमों की कोई परवाह नहीं है। स्वामी विवेकानंद ठीक कहते थे कि हर एक पढ़ा लिखा वो व्यक्ति गद्दार है जो इस देश की भूखी नंगी अशिक्षित जनता की तरफ एक पल भी ध्यान नहीं देता, उनके लिए कुछ कल्याणकारी कृत्य नहीं करता, कार्य नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी की एक पोयम है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सॉन्ग ऑफ द फ्री। उसका हिंदी वर्जन ये है, थोड़ी सी लिबर्टी ली गई है विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, कि घायल कर दिया सिंह जब क्रोध से दहाड़ता है तो रेगिस्तान की हवा गूंज उठती है, घायल कर दिया सर्फ जब अपना फन फैलाता है तो अग्नि भड़क उठती है, और जब अग्नि को कुरेदा जाए तो लपट भड़क उठती है। महान लोगों को जब उनकी आत्मा की गहराई से अधिक छेड़ दिया जाता है तब वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अगर आंखें कमजोर होती हैं तो होने दो, अगर मित्रता विफल होती है तो होने दो, अगर शरीर निर्बल होता है तो होने दो, अगर प्रेम में धोखा होता है तो होने दो, अगर प्रकृति तुम्हें नष्ट करने को एक शुभ भृकुटी भेजती है तो भेजने दो। ऐ मेरी आत्मा जान ले तू नित्य है, तू शाश्वत है, न दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम उन निर्दोष मासूमों को अपने समाज के उस कमजोर वर्ग की मदद करना चाहते हैं तो कम हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलना पड़ेगी और शिक्षा का स्तर सुधारना पड़ेगा। शिक्षा नीति आई है, ड्राफ्ट है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब प्रश्न ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक होता है। समाज का वो वर्ग जो रोटी कपड़ा मकान से मोहताज होते होते उनकी देह से प्राण पृथक हो जाते हैं, उनके जीवन में उनको शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान, लाइट, घर, ये मूलभूत आवश्यकताएं कब मिलेंगी? क्योंकि ये जिंदगी ईश्वर की है, ये सांसें ये ईश्वर की है, ये धरा भी उसकी है, इस धरा पर कोई भूपति नहीं है सिवाय ईश्वर के, क्योंकि ये धरा ये समस्त ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर का है। गीता में सिखाती है, गीता में ईश्वर कहते हैं अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन तू क्या समझता है, तू क्या समझता है अर्जुन, ये पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड मेरी मर्जी का खेल है, जब चाहता हूं तब बना देता हूं, जब चाहता हूं तो मिटा देता हूं। एक क्षण में न जाने कितने लोग जन्म लेते हैं और न जाने कितने लोग मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, जबकि जिंदगी का ये शाश्वत सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना जरूर है। इंसान शब्द ही अधूरा है, वो इसलिए क्योंकि इंसान की जिंदगी का रास्ता कब्र की ओर जाता है। लेकिन फिर भी हमने, कुछ लोगों ने इतना कलेक्शन कर रखा है कि एक पीढ़ी क्या कई पीढ़ियां उनकी निकल जाएंगे लेकिन धन और दौलत खत्म नहीं होगा, उसमें से एक हिस्सा उस भूख दर्द तकलीफ से तड़कते हुए इंसान के लिए भी दे दो, क्योंकि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे यही जीवन का सत्य है। वकालत में विश्व मानव जीव कल्याण व सृष्टि हितार्थ की करता हूं, मुझे किसी भी चीज से मोह नहीं है, यहाँ तक कि ना नेह है हमें किसी चीज की इस संसार में, ना नेह है हमें किसी चीज से इस संसार में, ना मोह है हमें हमारे प्राणों से, ना हमें कोई राजनीतिक सत्ता चाहिए और ना ही हमें लालसा है किसी राजनीतिक पद और सत्ता की। जब तक इस जिस्म में चलेंगे ये सांसें तब तक हम कोई भी राजनीतिक पद धारण नहीं करेंगे और ना ही किसी राजनीतिक सत्ता को स्वीकार करेंगे, क्योंकि विश्व मानव जीव व सृष्टि कल्याण हितार्थ कृत करने के लिए गीता सिखाती है कि कर्म इस तरह करो कि जिस तरह की यज्ञ किया जाता है, और यज्ञ में आहुति देने का नाम यज्ञ नहीं है बल्कि क्षण प्रति क्षण हर आहुति में हम अपने बुरे कृत्यों को, बुरे कृत्यों की आहुति देकर अपने प्राणों से प्राणों का हवन करके बलिदान करने को क्षण प्रति क्षण रजामंद है। बट न जाने क्यों एक आदत सी हो चली कि देखकर भी अनदेखा करने की आदत सी हो चली है। अगर कोई मासूम दर्द तकलीफ से तड़पता है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम इंसान नहीं सबसे पहले जाति धर्म मजहब पूछते हैं, देखते हैं वो ही है शी है ट्रांसजेंडर है वो क्या है,
जब हमारा जन्म हुआ था इस धरती पर, तब ना हम ही थे, ना शी थे, ना ट्रांसजेंडर थे, हम सबसे पहले एक इंसान थे। मैं इसे ऐसे कहता हूं कि ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम एक ही ईश्वर अल्लाह ताला परवरदिगार के बने हुए सिर्फ इंसान हैं। तो जब जन्म हुआ था तब ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म था, ना कोई मजहब था। तो फिर अब ये जाति धर्म मजहब क्यों क्यों? प्रश्न है लिंग का, क्या प्रश्न है जेंडर का कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, ट्रांसजेंडर क्यों है? क्या सबसे पहले ये इंसान नहीं हो सकते? ईश्वर ने नवाजा इस जिंदगी से, हमें दी हमें सांसें मुफ्त में है, लेकिन हम इंसान होकर इंसान नहीं हो पाए। शरीर तो मानवीय है, लेकिन कुछ लोगों की सोच मानवीय नहीं है। एक 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, उसके जीवन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है। मनुष्य की बर्बरता देखिए, मनुष्य के दुष्कृत्य देखिए, ये सोचकर ही, ये पढ़कर ही आत्मा दहल जाती है। क्षण प्रति क्षण न जाने क्यों हर क्षण प्राण जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये कौन सी जिंदगी है, ये कौन सा इंसान है, और किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं हम, और कहते हैं कि हम इंसान हैं। कहां से इंसान है? हमारी सोच विचार तो मानवीय है नहीं, मानव अधिकार बहुत है, लेकिन मानव अधिकारों का इंप्लीमेंटेशन एट द ग्रास रूट लेवल जितना होना चाहिए उतना देखने को मिलता नहीं है, अपवादों के अत्यधीन। तो प्रश्न अब यह है कि हम विकास की मुख्य धारा में जुड़े हैं तो कैसे जुड़े, क्योंकि देश राज्य परिवार समाज को विकसित, उसका विकास कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए हर व्यक्ति की भागीदारी और इक्वल कंट्रीब्यूशन विद डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। समाज का वो वर्ग देखिए, हम सुबह उठते हैं सब्जी बेचने वाले से, चाय बनाने वाले से, जूता पॉलिश करने वाले से, झाड़ू लगाने वाले से, हमारे ऑफिस में हमें पानी पिलाने वाला, साफ सफाई करने वाला, और हर वो कर्मचारी, हर वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में अपनी सांसों का संघर्ष कर रोटी कपड़ा मकान को जुटाने में लगा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, सबको अपनी अपनी है। हम बस, हमारा काम चल रहा है तो बस चलने दीजिए, ये काम हम कब तक चलाएंगे? क्यों हम इंसान होकर इंसान से प्रेम नहीं कर सकते? क्यों हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्यों हम एससी एसटी ओबीसी जनरल की बात करते हैं? सबसे पहले हमें क्या इंसान की बात नहीं करना चाहिए? क्या सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी जाति मनुष्य नहीं है? क्या ये जाति और धर्म ये हमें मिटा नहीं देना चाहिए? सिर्फ मानव प्रेम और मानवता ही रखना चाहिए, मानव और मानवता ही सर्वस्व है, तभी इस धरा पर कुछ अच्छा हो सकता है, तभी विकास की मुख्य धारा में हर व्यक्ति जुड़ सकता है। तो ये जाति धर्म, ये मजहब, ये ही और शी, ये ट्रांसजेंडर, ये भेदभाव मिटा दीजिए। इन भेदभावों को मिटाकर भाईचारे प्रेम भाव से जीवन क्यों नहीं जी सकते? अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया दिल्ली में, रामलीला मैदान में, इंडिया गेट पर, किसके लिए? राष्ट्रहित में किया, करप्शन मिटाने के लिए। हमारे अब्दुल कलाम जी थे, वो बिल्कुल सही कहते थे, माननीय पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं वो इंडिया के, एंड वेल नोन इन द वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में उन्हें जाना जाता है। वो सच कहते थे कि लोकपाल बिल बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा विश्व, पूरा भारत अगर आज प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए कि अभी इसी क्षण से हम करप्शन नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार अभी इसी क्षण मिट जाएगा, लेकिन हम ये प्रतिज्ञा, ये प्रतिबद्धता अपने में लाते नहीं है। इतने कानून बने हैं, आईपीसी में 302 बना है हत्या के लिए दंड, क्या हत्याएं नहीं होती? 376 रेप में मृत्यु दंड के प्रावधान कर दिए गए, कई धाराओं में मृत्यु दंड के उपबंध है, लेकिन मृत्यु दंड के उपबंध करने से मात्र से ही अपराध विहीन समाज तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन अपराधों को रोका जा सकता है। अपराध रुके नहीं, रुके बल्कि डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या करना चाहिए? हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, साइकोलॉजी बदलना चाहिए, मानव प्रेम, मानवता, बंधुता, समर्थता, ये सब हमें लानी पड़ेगी। तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है वो है मानव और मानवता को बचाना, और महाशक्ति की चाह जो चाइना रखता है मानव के संहार के आधार पर, वो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। तो उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, और विश्व मानव जीव सृष्टि कल्याण कुछ करो।
विश्व के लिए कुछ करो, दुनिया के लिए कुछ करो, भारत के लिए कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो, समाज के उन निर्दोष मासूमों के लिए कुछ करो जो क्षण प्रति क्षण अपने प्राणों की आहुति देते हैं जिंदगी के संघर्ष में। रण क्षेत्र आज पुकारे हैं अपने रण को, हे वीर मानव उठो जागो, प्रस्तुत हो रण में, देने आहुति अपने प्राणों की। थैंक यू सो मच।